आईटी शाखा के मंत्री कल्वाकुंटला रामाराव कल पत्रकारों से बोल रहे थे। हमारे पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी के पीछे चंद्रबाबू नायडू चला रहे। जब सोनिया गांधी तेलंगाना दी, आंध्रा में जगन सीएम बने और तेलंगाना में आपके पिताजी सीएम बने, और आप आपके पिताजी जगन को घर पे बुलाए, फैमिली के समेत तुम लगा दावत दिए, उन लगा साड़ियां तुम्हारे औरतों को दिए, उन्होंने उनको दिए, बाद में जो है चले गए। तुम्हारा पिताजी रायलसीमा रोजा के घर को गए, वहां दावत करे और वहां पर पत्रकारों को बोल रहे रायलसीमा को मैं रत्नाला सीमा बना दू। आपके पिताजी लेते तेलंगाना का तनखा और गाना गा रहे आंध्रा वालों का। और जब राजशेखर रेड्डी इस राष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, हरीश राव इटिला राजेंद्र आप सब लोग इस्तीफा दिए मंत्री पदवी को पानी के वास्ते, आज भी पानी जगन लेकर जा रहा, काय को नहीं पूछ रहे, काय को नहीं रोक रहे, बोल के हम तुम लोगों से पूछ रहे। 7 साल हो गए, 7 साल से तुम लगा क्या कर रहे बोल के पूछ लू। और आप क्या बोल रहे थे पत्रकारों से, हम नौकरियां दिए और देंगे बोल के, कितने जनों को दिए, 1 लाख चिल्लर बोल रहे। आपका पिताजी पब्लिक पे आवाम से जो है बोले हर मकान को एक एक नौकरी देंगे, कहां गए वो नौकरी। आपके सामने असेंबली में बोले डिग्री पढ़े से बच्चों को 3,016 रुपए देंगे, दिए 3,016 रुपए। प्राइवेट टीचरों को लॉकडाउन में 2,000 25 किलो चावल बोले, वो भी नहीं दिए। बाप बेटे लोग जो है लोगों को उम्रा बनाना, हथेली में स्वर्ग बताना बोल रहे। तुमको ये मालूम होना चाहिए तुम्हारे पिताजी हमारे यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष थे और चंद्रबाबू नायडू भी उपाध्यक्ष थे। चंद्रबाबू नायडू एमएलए बने, मंत्री बने, हमारे कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेके गए। तुम्हारा पिताजी उपाध्यक्ष था, बीच में धोखा दे के चले गए। और आज तुम लगा आंध्रा वालों का गाना गा रहे, हमको बोल रहे आंध्रा वालों से मिलके, तुमको तुम लोगों को जरा ये तो भी रहना चाहिए। और पत्रकारों से बोल रहे 2 साल अभी बाकी है हमारे वास्ते बोल के बोल रही। बोलो तो आपको भी मालूम हो गया 2 साल के बाद तुम्हारा दुकान बंद होने वाला है, लिहाजा लोगों को गुमराह मत करो बोल के बोल रहे।